हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ये चुनरी कैसे तैयार करती हूँ मैं खुद, क्योंकि कल की शादी है और आज 14 तारीख है, 15 की शादी है, मतलब एक दिन है मेरे पास ये चुनरी जो गोटा पत्ती से मुझे रेडी करनी है। अभी बजे है 7:45 सुबह के और ये मुझे आज के दिन में इस पर गोटा लगाना है। चारों ओर का गोटा लगाना है, बीच में बूटियाँ लगानी है और पत्तियाँ लगानी है, और रेडी करके मैं आपको बताऊंगी कि मेरी चुनरी ये कैसे बनी है। चुनरी आप देख रहे हो, ये चुनरी मैंने यहाँ रख दी है। मम्मी जी रख रहे हो? ये बूटियाँ है जो इसके अंदर लगाऊंगी मैं, और ये है चारों ओर का गोटा जो मैं आपको लगाने के बाद में बताऊंगी। तो मैं आपको बताऊंगी कि खुद से कैसे चुनरी तैयार कर सकते हैं और कितना टाइम लगता है चुनरी तैयार करने में और कर सकते हैं। मेरा ये पहली चुनरी है जो मैं तैयार करने जा रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि अच्छी ही बनेगी। और ये वीडियो देख के आप भी डिसाइड कर सकते हो कि आप खुद से भी गोटा लगा सकते हो। मुझे ये पता नहीं होता कि बूटियाँ कहाँ कहाँ लगेंगी, तो मेरी सासू माँ मुझे बता रही हैं कि ये बूटियाँ कैसे लगती हैं। तो इनका एक नया तरीका है कि ये उंगलियों से नाप के बताते हैं कि बूटी कैसे लगती है, क्योंकि पूरी चुनरी में लगनी है और बूटियाँ हैं 20। तो बस मम्मी जी मेरे को इतना बता देंगी, उसके बाद मैं फटाफट सबको लगा दूँगी। इससे काम जल्दी होता है और सही जगह पर लगता है। ये बेड है, इस बेड पे ही मैंने चुनरी जमाई है, क्योंकि जमाने के बाद में ऐसे बूटी रख के अगर लगाते हैं ना तो गलत जगह नहीं लगती, और बिल्कुल सही स्पेस पे सही जगह बूटी लग जाती है। ये चुनरी पे मैंने बूटियाँ रख दी है और ये है सुई धागा जिसे मैं इसे स्ट्रेच करूँगी। मिशन इज रेडी, बूटियाँ भी एक घंटे में लगा के रख दूंगी मैं, उसके बाद चारों ओर लगाऊंगी और रेडी होके ओढ़ लूंगी। मम्मी भी मेरी हेल्प कर रही है तो जल्दी हो जाएगा। चुनरी में जो मैंने बूटियाँ लगाई है इनके बीच बीच में मैं पत्तियाँ भी लगा रही हूँ। अगर ये पत्तियाँ आपको बनाना सीखनी है कि गोटे से कैसे पत्ती बनाते हैं तो आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको वो भी नेक्स्ट वीडियो में बना के दिखा दूंगी। ये मैंने मेरी पूरी चुनरी में गोटा पत्ती सब लगा लिया है और चारों ओर का भी मैंने लगाया है जो मैं आपको नहीं दिखा पाई। और पूरा का पूरा ये चुनरी मैंने कैसे तैयार करके शादी में ओढ़ा है वो आप ज़रूर देख लीजिए। और ये चुनरी मैंने तैयार करी है और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।